नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेनबो लॉरी की। रेनबो लॉरी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोगों के पास ये होता है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उनके पास कौन से वैरायटी का सब स्पेसीज का रेनबो लॉरी है, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये जानकारी भी नहीं है कि रेनबो लॉरी कितने वैरायटी के हैं। ये कहानी शुरू होती है 2013 में, जब मुझे एक रेनबो लॉरी मिला। मेरे पास उससे पहले भी जो रेनबो लॉरी थे ये उनसे कुछ डिफरेंट दिखता था, तो मुझे ये मार्केट से महंगा ही लेना पड़ा। लेकिन मैं ये खोजता रहा कि ये है आखिर कौन से वैरायटी का और क्या डिफरेंट है, ये हाइब्रिड है या क्या है। लेकिन मुझे बहुत देर बाद पता चला कि ये एक वैरायटी का रेनबो लॉरी है जिसका नाम है डिप्लांची लॉरी। और तब मैं ये सब खोजते खोजते मुझे ये पता चला कि कुल मिलाकर 20 से भी ज़्यादा वैरायटी के रेनबो लॉरी हैं। तो उस दौरान मुझे ये पता चला कि कोई ऐसा एक किताब नहीं है, इंटरनेट पर कोई ऐसा वेबसाइट भी मुझे नहीं मिला जिसमें के सारे वैरायटी एक साथ में मेंशन हो। और ये कन्फ्यूज़न इसलिए है कि मोटा मोटी 90% रेनबो लॉरीज का कलर सब सेम ही होता है, छोटा छोटा सा डिफरेंस है। किसी ऑथर ने 19 लिखा तो किसी ऑथर ने 22 लिखा। मुझे टोटल जितना ये सर्च करने के बाद वैरायटी मिला जिनके नामकरण किए गए हैं सब स्पेसीज में, मैं ये सारा इस एपिसोड में आपको बोलूँगा। और उसमें चार वैरायटी ऐसे होंगे जिनका कोई तस्वीर मुझे नहीं मिला, तो आपको सिर्फ नाम देखने को मिलेगा, कॉमन नेम और जूलॉजिकल नेम। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। ये जो रेनबो लॉरी का ग्रुप है, इसका जेनस है ट्राइकोग्लोसस और स्पेसीज है हेमाटोडस। और सब स्पेसीज का नाम हर चिड़िया के दिखाने पर ही वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये ट्राइकोग्लोसस हेमाटोडस ग्रुप में टोटल जितने भी चिड़िया हैं वो सारे के सारे रेनबो लॉरी नहीं हैं। रेनबो लॉरी में सिर्फ 21 वैरायटी ही इंक्लूड किए गए हैं मैंने जितना खोजा, लेकिन कोई एक ऑथर ने 21 वैरायटी नहीं दिखाया है। इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ये जो 21 वैरायटी है उसको 5 डिवीज़न में डिवाइड किया है डिफरेंट एविकल्चरिस्ट्स ने। पहला है रेड बार फ्रंटेड सब स्पेसीज, मतलब छाती में इनका रेड बारिंग्स होगा। दूसरा है रेड फ्रंटेड सब स्पेसीज, इनके छाती में कोई बारिंग नहीं होगा, सिर्फ लाल कलर ज़्यादातर होगा। तीसरा है फ्लेम फ्रंटेड सब स्पेसीज, थोड़ा ऑरेंज और रेड कलर का मिला हुआ, फ्लेम का तरह, आग का तरह, हल्का फुल्का, पूरा रेड नहीं होगा या फिर बारिंग नहीं होगा। चौथा है येलो फ्रंटेड सब स्पेसीज, मतलब चेस्ट जो है उनका येलो कलर में रहेगा। और पांचवा है ग्रीन फ्रंटेड सब स्पेसीज। ज़्यादातर डाटा जो इस एपिसोड में दिखाए जाएंगे मैंने मैक्सिमम लिया है लॉरीज एंड लॉरी किड्स की किताब एलिसन रगल्स की और पैरट्स ऑफ द वर्ल्ड की किताब जोसेफ एम फोर्सो की। मानना पड़ेगा इन दोनों एविकल्चरिस्ट को। वैसे एलिसन रगल्स अपनी किताब में लिखती हैं कि उन्होंने जो डाटा दिया है रेनबो लॉरी के ऊपर वो जोसेफ एम फोर्सो की किताब से ही लिया हुआ है। बाकी और कई सारे किताब मैंने फॉलो किए तो उनमें सारे के सारे जोसेफ एम फोर्सो के किताब से डेटा लिया हुआ है। लेकिन ये सब खंगालने के बाद मुझे ये अभी तक नहीं पता चला कि ये रेनबो लॉरी में इन्होंने ऑर्नेट लॉरी को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन कुछ ऐसे लॉरी को रेनबो लॉरी में इंक्लूड किया है। रेनबो मतलब 7 कलर, लेकिन उन लॉरीज में 7 कलर देखने को नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वैरायटी के ऊपर। पहले शुरू करते हैं रेड बार फ्रंटेड सब स्पेसीज। रेड बार फ्रंटेड सब स्पेसीज में सबसे पहला है ग्रीन नैप लॉरिकिट, जो कि आमतौर पे लोग रेनबो लॉरी के हिसाब से जानते हैं, पॉपुलर है, मार्केट में प्राइस इसका कम रहता है। और इसका एक बेहतरीन क्वालिटी ये है कि ये फोस्टर पेरेंट दूसरे रेनबोज, जो कॉस्टली रेनबोज होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड में आता है ब्लू हेडेड लॉरिकिट। इसका
दूसरा नाम भी है पेल हेडेड लॉरिकिट। आगे चल के आपको एक मज़ेदार चीज़ सुन देखने को मिलेगी, कई सारे लॉरीज के एक से ज़्यादा इवन तीन चार नाम हैं। जैसे इसका नाम है ब्लू हेडेड लॉरिकिट, इसका दूसरा नाम है पेल हेडेड लॉरिकिट। ये काफ़ी मिलता जुलता है आपका स्वाइनसन लॉरी से। फिर आता है डिप्लांची लॉरी, जो कि इस एपिसोड के शुरुआत में मैंने कही थी आप लोगों से। फिर आता है ऑलिव ग्रीन लॉरिकेट। जी हाँ, ये कन्फ्यूज़न मत रहिएगा, आजकल जो ऑलिव म्यूटेशन मार्केट में आया हुआ है वो म्यूटेशन है, लेकिन ये नेचर का ओरिजिनल फॉर्म है। वैसे मैं ये बता दूं कि इस एपिसोड में जितना भी वैरायटी दिखाया गया ये सब नेचर में ओरिजिनली पाए जाने वाले सब स्पेसीज हैं, जो कि डिफरेंट ऑथर्स द्वारा की गई हैं। फिर आपका कोकोनट लॉरिकिट। कोकोनट लॉरिकिट को मासेना लॉरिकिट भी कहा जाता है। सदर्न ग्रीन नैप्ड लॉरिकिट, इसका कोई तस्वीर मुझे मिला नहीं, और इसका जो जूलॉजिकल नेम है ट्राइकोग्लोसस हेमाटोटोस माइक्रोप्टेरिक्स। फिर आता है आपका ब्लैक थ्रोटेड लॉरिकिट। मेरे बोले हुए ये तो सातवें नंबर पर आता है। कोई कोई ऑथर ब्लैक थ्रोटेड लॉरिकिट को ब्रुक्स लॉरिकिट भी बोलते हैं, लेकिन कुछ ऑथर्स ने ब्रुक्स लॉरिकिट को एक सेपरेट सब स्पेसीज बनाया हुआ है, ट्राइकोग्लोसस हेमाटोडोस ब्रुकी। फिर आता है आपका रोजेनबर्ग लॉरिकिट। रोजेनबर्ग लॉरिकिट का और दो नाम है, बियाक लॉरिकिट और सॉल कोलाड लॉरिकिट। ट्राइकोग्लोसस हेमाटोडोस रोजेनबर्गी है इसका जूलॉजिकल नेम। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है रेड बार फ्रंटेड सब स्पेसीज, मतलब इनमें सारी कॉमन चीज़ें थी कि छाती पे रेड बारिंग देखने को मिलता है। अब दूसरा सेक्शन शुरू होता है रेड फ्रंटेड सब स्पेसीज, मतलब छाती में रेड कलर तो होगा, बारिंग नहीं होगा। तो पहले जो नंबर पे आता है डी जम्पिया लॉरिकिट। डी जम्पिया असल में न्यू गिनी के पास एक आइलैंड का नाम है, उस आइलैंड में ये चिड़िया पाया जाता है, तो इसका नामकरण शायद इसी हिसाब से किया गया होगा। 11वें नंबर पर आता है फोर्स्टेंस लॉरिकेट। इसके और तीन नाम हैं, सनसेट लॉरिकेट बोला जाता है इसको, स्कारलेट ब्रेस्टेड लॉरिकेट भी कहा जाता है और रेड ब्रेस्टेड लॉरिकेट भी कहा जाता है। फिर आता है मिचेल्स लॉरिकिट, इसका एक और भी नाम है रेड ब्रेस्टेड लॉरिकिट। जी हाँ, फोर्स्टेंस लॉरिकिट को भी रेड ब्रेस्टेड कुछ ऑथर ने लिखा है, और सेम ऑथर्स ने मिचेल्स लॉरिकिट को भी रेड ब्रेस्टेड लॉरिकिट लिखा है। फिर है आपका स्ट्रेसमैन्स लॉरिकिट, ट्राइकोग्लोसस हेमाटोडोस स्ट्रेसमैनी। यहाँ पे ख़त्म हो गया रेड फ्रंटेड सब स्पीसीज। फिर आता है तीसरा सेक्शन फ्लेम फ्रंटेड लॉरिकेट, मतलब रेड और हल्का पीला या ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा चेस्ट पे इनके। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर चिड़िया आपको दो ही हैं कुल मिलाकर, बहुत से लोग इसको जानते होंगे। पहला है स्वाइनसन्स लॉरिकेट, इसको भी रेनबो लॉरिकेट बोलते हैं। ग्रीन नैप को रेनबो लॉरिकेट कहा जाता है, स्वाइनसन को भी रेनबो लॉरिकेट कहा जाता है, और ये दोनों मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हैं। लेकिन स्वाइनसन का एक और नाम भी है ब्लू माउंटेन लॉरिकेट। और फ्लेम फ्रंटेड लॉरिकेट के ग्रुप में दूसरा वेराइटी जो है वो है रेड कोलाड लॉरिकेट, इसका एक और नाम है रेड नेक्ड लॉरी या फिर ऑरेंज नैप्ड लॉरी। यहाँ पे ख़त्म हो गया फ्लेम फ्रंटेड लॉरिकिट हमारा तीसरा सेक्शन। अभी शुरू होता है चौथा सेक्शन येलो फ्रंटेड सब स्पेसीज। येलो फ्रंटेड मतलब उनका चेस्ट का कलर येलो रहेगा ज़्यादातर। एडवर्ड्स लॉरिकिट है पहला नाम, इसका और दो नाम है, मेरीगोल्ड लॉरिकिट भी कहा जाता है इसको और रेनबो लॉरिकिट भी कहा जाता है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इसको रेनबो लॉरिकिट क्यों कहा गया है, मैंने जैसा किताब में देखा तो उस हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। फिर आता है येलो ब्रेस्टेड लॉरिकिट, इसका और तीन नाम है, वेटर लॉरिकिट भी बोलते हैं, इसको भी रेनबो लॉरी बोलते हैं। येलो ब्रेस्टेड एडवर्ड्स लॉरिकिट बोलते हैं। जी हाँ, ये एडवर्ड्स लॉरिकिट से थोड़ा सा फ़र्क ये है
कि एडवर्ड्स लॉरिकेट में चेस्ट में येलो में हल्का सा लाल कलर देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो येलो ब्रेस्टेड लॉरिकेट है ये पूरा का पूरा पीला है। येलो फ्रंटेड सबस्पेसीज में अब आता है तीसरा सुम्बा लॉरिकेट, ट्राइकोग्लोसोस हेमाटोडोस 40 है इसका जूलॉजिकल नेम। यहाँ पे ख़त्म हो गया येलो फ्रंटेड सबस्पेसीज का सेक्शन। पांचवा और आखिरी सेक्शन है ग्रीन फ्रंटेड सबस्पेसीज, मतलब ये मोटा मोटी ग्रीन कलर में देखने को मिलते हैं। पहला नंबर है वेबर्स लॉरिकेट, इसका और एक नाम है लीफ लॉरिकेट भी बोलते हैं, ट्राइकोग्लोसोस हेमाटोडोस वेबेरी है इसका नाम। बाकी जो दोनों वेराइटी हैं, एक है नीनिगो लॉरिकेट ट्राइकोग्लोसोस हेमाटोडोस नेसोफिलस और एक है नॉर्दर्न मोलुकन लॉरिकेट ट्राइकोग्लोसोस हेमाटोडोस सेप्टेंट्रोनियलिस। इस एपिसोड में ज़्यादातर डायग्राम दिखाए गए हैं, इसलिए दिखाए गए हैं कि ये इतने कम डिफरेंसेस में इनके कलरेशन है, शायद ओरिजिनल चिड़िया को पकड़ के उसको वीडियो में रिकॉग्नाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि 1970s में जब जोसेफ एम फोर्सो ने ये किताब बनाई होगी, उस समय में ना ही इतने पावरफुल लेंस थे, कैमरा थे, ना ही इंटरनेट था, कितनी बारीकी से उन्होंने ये डायग्राम को प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से काफ़ी जानकारी मिलते हैं। तो अगर आपको मेरे नहीं दिखाए गए लॉरीज के फ़ोटो कहीं पे मिले तो मुझे कमेंट में ज़रूर उसको भेजें। इस एपिसोड में इतना ही, नमस्ते।